नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई तकरार की तपिश बनी हुई है। स्पीकर सदन में आज नहीं पहुंचे और विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आरजेडी ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़कर समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ आना चाहिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं। सीएम स्पीकर की तकरार पर बढ़ा विवाद। सदन नहीं आए स्पीकर, विपक्ष का हंगामा। महोदय पूरी बात सुन लीजिए। सरकार पूरे सरकार मुख्यमंत्री सहित का मानना है कि आसन सर्वोपरि है, इसलिए उन्होंने सिर झुका के आसन से आग्रह किया था। और महोदय आज ये लोग कह रहे हैं कि आसन पर अध्यक्ष आके सफाई दे, अध्यक्ष सफाई देता है। सुना आपने, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का ये बयान विवाद को विराम देने की कोशिश है। सीएम और स्पीकर के बीच सोमवार को हुई तकरार के बाद विवाद खड़ा हो गया है। माननीय मंत्री भी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है। स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने विशेषाधिकार समिति की बैठक बुलाई, लेकिन वो सदन में नहीं आए। उनकी गैर मौजूदगी में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार ने सदन की कार्यवाही चलाई, लेकिन विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। आरजेडी ने सीएम से माफी की मांग की है, तो कांग्रेस मुख्यमंत्री का बचाव करती दिख रही है। माननीय मंत्री जी का पूरा सुन लीजिए। ये हम लोग की मांग थी कि स्पीकर साहब सदन में आवे, अपनी बातों को रखें, और माननीय मुख्यमंत्री भी आवे, अपनी बातों को रखें, और आसन से और सदन से माननीय मुख्यमंत्री माफी मांगे, इसके बाद ही समझौता होगा। सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, यह दोनों पार्टियां सद्भावना में नहीं रह रही हैं। एक दूसरे के प्रति असम्मान और आक्रोश की भावना है, तो असम्मान और आक्रोश की भावना से क्या वो सरकार चला पाएंगे? जनता दल यू को जितना जल्द होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जैसे वैचारिक शून्यता की पार्टी से अलग हो जाना चाहिए। सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी की स्थिति दिख रही है। सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, वो हम लोगों के लिए विधानसभा के सर्वोपरि होते हैं, और कोई भी व्यक्ति हो, माननीय मुख्यमंत्री हो या विधानसभा के जो भी मेंबर हो, किसी को भी उंगली उठा करके, आंख गुड़ेर के और अपमानित लैंग्वेज में कहना कि आपको विधानसभा में आप अध्यक्ष हैं और आपको संविधान का ज्ञान नहीं है, ऐसा तो थोड़े किया था। आखिर विधानसभा अध्यक्ष उनको बनाया किसने? माननीय मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि जो तौर तरीका काम करने किसी और का नहीं है, इसका निर्णय आप लेंगे, बातचीत होगी, कुछ बहुत कुछ जानकारी इस पर नहीं है। अपमान हुआ, आप मानते हैं कि स्पीकर का अपमान हुआ? हमारी बात सुनिए, बात अपमान सम्मान की बात भाई, जब जांच चल रही है, जांच भी बात चल रही है, उन्होंने कहा है कि जांच पे जो ही पाया जाएगा जाएगा, बचेगा नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ही लाचारी जहाँ व्यक्त करते हो, तहाँ हम विधायकों का क्या हस्ती है? और दबे जबान में माननीय अध्यक्ष जी ने भी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता को आईना दिखाया है, और इस पर निश्चित रूप से सबल नेतृत्व का ये काम होता है कि अगर कहीं कुछ लीकेज है उसको समय रहते दुरुस्त किया जाए। स्पीकर और सीएम की तकरार के बाद विवाद जिस मोड़ पर आ चुका है, वो फिलहाल तो थमता नहीं दिख रहा। आशुतोष के साथ रूपेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा में सोमवार को स्पीकर और मुख्यमंत्री की तकरार पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपहरण हो, बलात्कार हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, चाहे हर चीज लोग दिखाता है, घोटाला हो पर घोटाला हो रहा है बिहार में। मीडिया वाला भी छिपल नहीं है ना, चाहे पब्लिक से बिहार के जन उसी पर गर्मा गर्मी। सदन में आपने कहा कि लाल जूता खा रहे हैं, सरकार में बने रह रहे हैं, ऐसे क्या बात हो गई थी? कल जो हुआ सो सब दुनिया देखा। क्षमा मांगना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर दे करके कि स्पीकर नहीं आएंगे और विपक्ष और सत्ता पक्ष में बीजेपी की भूमिका जितनी आत्मघाती और मतलब एक ऐसे विश्वास को खंजर भोंकना है, तो उससे दिखता है कि ये दोनों एक हैं,
और अब सदन के नेता के लिए सरकार चलाना नीतीश जी के लिए कष्टप्रद होगा भविष्य में। अध्यक्ष महोदय आज विधानसभा नहीं गए, कल क्या क्या नहीं कह दिया मुख्यमंत्री जी ने, मर्यादा तोड़ दी। आज तक ऐसा नहीं देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने रेतु करके बात किया, अध्यक्ष को कहा तुम कौन होता, ऐसे नहीं चलेगा। आज तक किसी ने नहीं देखा ऐसा, हर बात पे किसी आ रहे, अरे ऐसे सरकार चलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं कोई बाहर गए, उन्होंने सिर्फ माननीय स्पीकर साहब को याद दिलाया कि हमारे संविधान में हमारे संवैधानिक व्यवस्था और जो विधानसभा और पार्लियामेंट चलाने के रूल हैं उसमें है कि अगर कोई पुलिस की इंक्वायरी होगी वो सदन के पटल पे नहीं आती, पुलिस की इंक्वायरी कोर्ट में जाती है। सिर्फ मात्र इसी बात को उन्होंने सदन में रखा और स्पीकर साहब को ये जानकारी दी कि आपने जो ये दिया नियमन की परसों हमको रिपोर्ट लाइक दी जाए, जबकि संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान में लिखा हुआ है कि पुलिस इंक्वायरी की रिपोर्ट पुलिस के द्वारा कोर्ट में दी जाती है। तो और ये बात है और इसके अलावा और किसी कोई बात नहीं है। अगर बीजेपी का लोग बोलता है कि वैल्यू नहीं है, गलत बात है, उन्हीं का वैल्यू है। अच्छा सर, सदन में कल किसकी गलती थी आपके हिसाब से? कल किसी का गलती नहीं, किसी का गलती नहीं। मुख्यमंत्री अपने कदम अटकाए हुए थे, ठीक ठाक थे, अपने अध्यक्ष भी ठीक थे। अच्छा। मुख्यमंत्री आप सुन कि मुख्यमंत्री कहां कुछ गलत बोले। स्पीकर और सीएम की तकरार पर सरकार के कई मंत्रियों ने भी अपनी राय रखी है। विपक्ष का काम अपना काम कर रहा है, सरकार का अपना काम अपना हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जनता का कोई काम की परेशानी नहीं है। व्यवहारिक तौर पे कोई भी नाराजगी है, दोनों बड़े लोग हैं, दोनों हमारे ये हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपस में सब बात सहमति हो जाएगी। विधानसभा में जो हुआ कल वो नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं हमेशा मांग करता हूँ कि समय समय पर एनडीए का बैठक हो, कोई विषय है घर में तो वो घर में सलटाया जाए, सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई विधानसभा में पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है और ये बिहार में गलत मैसेज भी जा रहा है, तो इसको मुझे लगता है कि घर में बैठ के सुलझाना चाहिए। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, ये आपस का मामला, हम लोग आपस में मिल बैठ के इसको समझा लेंगे। बड़ा विपक्ष कर रहा है जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, आपस की बात है, आपस में कुछ अगर हुआ भी है तो हम लोग आपस में बैठ के इसको सुलझा लेंगे। कटिहार में सेहत के महकमे यानी स्वास्थ्य महकमे का मानवीय चेहरा सामने आया है। सदर अस्पताल में भर्ती एक मरीज को रेफर करने के 3 दिनों बाद तक एम्बुलेंस नहीं मिली। एम्बुलेंस तब मिली जब मरीज की मौत हो गई। परिजनों में सेहत के